बामसेठ के पुराने सीसी मेंबर साथी माननीय आर के पाल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आवे और अपनी बात रखें। माननीय आर के पाल साहब मंच पर बैठे हुए बहुत ही बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता पूरे देश से आए हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, महिलाओं और बच्चों, इस सत्र का विषय है पूरे अंबेडकरी विचारधारा से ही बहुजन समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। मैं सारे तमाम महापुरुष लगातार इस देश में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए काम करते थे, लेकिन विषमतावादी ताकतें हैं, षड्यंत्रकारी ताकतें इतनी मजबूत है कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किए उनको किसी न किसी तरीके से दबाने का काम किया और हमारे समाज को जो है भ्रमित करते थे। आज उन्हीं महापुरुषों में से ईवी रामास्वामी पेरियार का परिनिर्वाण दिवस है, वो 24 दिसंबर 1973 में उनका परिनिर्वाण हुआ था, उनको भी हम याद करते हैं। और रामास्वामी पेरियार बाला साहब के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर लगातार बाबा साहब के साथ विचार विमर्श करते रहते थे, उनको सलाह भी देते रहते थे। अगर वो कहीं पार्लियामेंट में होते तो शायद बाबा साहब को और अधिक ताकत मिली होती और वो हमारे लिए कुछ और उससे भी ज्यादा अच्छी करके गए होते। साथियों, जहां तक मानवीय मूल्यों की बात है, दुश्मन का काम है जो विषमतावादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं वो अपना काम लगातार करते रहे हैं और करते रहे। ये ड्यूटी हमारे अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से है कि इसके लिए लगातार समाज को जागरूक करते हैं। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपने समाज को जागरूक करते रहना है। जिस तरीके से अगर घर का मालिक जाग रहा है, वो सतर्क है, तो चोर उसके घर में कभी घुस नहीं पाएगा। मालिक को अगर पता है कि हमारे गांव कहाँ से दरवाजे हैं, तो चोर कहाँ से आ सकता है, कहाँ संभावना है, किस समय पर आ सकता है, इन सबको अगर वो अच्छी तरह से समझता है तो चोर को घुसने की हिम्मत नहीं। अभी हमारे समाज में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो पाई है। आज भी इतना बाम से लगातार 50 साल से समाज को जागरूक करने का ये काम कर रहा है। हम राजनीतिक लोगों को गाली देते हैं, मनुवादियों को गाली देते हैं, लेकिन और हम उनको ही दोषी मानते कि नहीं, हमारे जो शोषण हुआ है, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वो उनके कारण से हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं हम खुद उसके दोषी।
साथियों, मैं अपनी व्यक्तिगत बात ही करता हूँ, मैं स्टेज पर बोल तो जरूर रहा हूँ लेकिन मैं खुद ही अपने घरों में कुछ ये लागू नहीं कर पा रहा, कहीं कहीं हमने करनी। मैं अपने ही परिवार बता रहा हूँ कि अभी मेरे भाई ने की शादी है, होनी है। हमने उनसे कहा कि मार्च में अच्छा महीना होता है, ना गर्मी होती ना सर्दी होती है, आप उसमें कोई डेट तय कर लीजिए अपने हिसाब से। उन्होंने सोच करके बताया कि 12 मार्च की डेट जो है उसको देना चाहिए। हमने घर में विचार विमर्श किया कि भाई 12 तारीख को हमारा कोई ऐसा तो नहीं काम है जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो और उसमें हम ना कर पाए ना पहुंच पाए। हमने उनको बताया कि भाई 12 तारीख के बजाय आप कोई भी और डेट 12 तारीख के बाद के रख लीजिए। उन्होंने सोच समझ के बताया कि नहीं, हमने उन्होंने ब्राह्मण नाम नहीं लिया लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने ब्राह्मण से ही पूछा होगा कि 12 तारीख के बाद जून तक कोई भी शादी की डेट नहीं हो सकती, इस बीच में कोई शादियां नहीं हो सकती। अब ये ब्राह्मण हमसे नहीं कहने आया कि हमसे पूछो और हम जो कहेंगे वो करो, हम ही उनसे पूछने जा रहे हैं और वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से वो बताएगा उसका ये काम है। तो साथियों, ये अज्ञानता, जब हम यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे, हो सकता हमारे जैसे और भी लोग हो, मैं तो अपने दोस्त को स्वीकार भी करता हूँ कि मैं वो काम अपने घर में नहीं कर पा रहा। तो बड़ी विषम स्थिति है, केवल और केवल हम खुद अपने इस विषमता के जो सताए हुए लोग हैं खुद कहीं कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। जब जब हमको इस देश में गुलाम बनाया गया तो निश्चित रूप से कहीं कहीं हमारे लोगों की भी कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि आज भी आप देखते हो। राजनीति की बात करें कि जहां तक हमें याद है, उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है कि 265 लोग पार्लियामेंट में बहुजन समाज के बैठे हुए हैं। 131 तो आपको पता है SC ST के हैं, इनको जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का लाभ लेकर की वहां पे पहुंचे हैं। बाकी शायद 178 या जैसे ही OBC के लोग हैं। वो जिस दिन दर्श आता है उस दिन सरकार को तुरंत पलटते, एक मिनट भी नहीं लगेगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।